हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चाइना मोज़ाइक टेरेस फ्लोरिंग किस तरीके से की जाती है, इसमें क्या क्या किया जाता है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो इस टेरेस पे ब्रिक बेड बिछाया जा चुका है, यानी ब्रिक का लेयर बिछाया जा चुका है टेरेस के ऊपर, और उसके ऊपर ये प्लास्टर हो चुकी है। तो अब फिर से इसके ऊपर सीमेंट और रेती की एक लेयर बिछाई जाएगी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 20 mm तक का रहता है एक लेयर। वो लेयर सूखने के बाद फिर यहाँ पे जितने भी टाइल्स के चिप्स है वो बिठाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसको अभी सिर्फ ऐसे ही रखा जा रहा है, इसको अभी दबाया नहीं गया है, क्योंकि सूखने के बाद सिर्फ इसको रख दिया गया है। लेकिन इसको चिप्स रखने से पहले एक सीमेंट का एक लेयर मारा जाता है, सिर्फ सीमेंट का, और उसके ऊपर ये बिठाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये टाइट नहीं है, खाली इसको सिर्फ रख दिया गया है, खाली इसको अभी भर रहे हैं। जैसे जैसे काम होते जाता है, फिर वैसे आगे आगे ये सीमेंट का एक लेयर ऐसा बिछाते जाता है, जो आपको दिख रहा है ये। तो वो जो मैंने आपको बताया था कि ब्रिक बेड हो चुका है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि टेरेस के ऊपर पहले ब्रिक बेड बिछाया जा चुका था, उसके ऊपर से ये सब सारे काम हो रहे हैं। तो अब टाइल्स चिप बिछाने के बाद उसको फिर अच्छी तरीके से पानी मार के और उसको लेवल किया जा रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यानी जो भी कुछ टाइल्स ऊपर नीचे रहेगा, जो जो भी टाइल्स का चिप्स ऊपर नीचे रहेगा, वो ऐसा करने से वो लेवल हो जाता है, वो एक लेवल में आ जाता है। जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो सीमेंट आ रहा है, जो सीमेंट का एक लेयर जो बिछाया गया था, तो वही सीमेंट का लेयर वो ऊपर आ रहा है, जो इसको भी थापी से जो मार रहा है। तो ये सब होने के बाद अभी जो आपको जो दिख रहा होगा, जो टाइल्स के बीच में जो गैप है, फिर उसको भरेंगे। तो सीमेंट का एक थिक पेस्ट बना के उसको एक पूरा लेयर मार के जितना भी गैप है उसको फिल किया जाएगा। आगे साइड में तो वहाँ पे सिर्फ सीमेंट का एक थिक पेस्ट बना के उसको एक लेयर मारा जा रहा है, ताकि जो भी गैप है बीच में वो फिल हो जाए। और उसके पीछे से लकड़े का भूसे से उसको साफ़ किया जा रहा है, यानी कि जो भी कुछ सीमेंट का जो ऊपर रहेगा उसको टाइल्स के ऊपर से साफ़ करने के लिए एक ये प्रोसेस होता है जो करना पड़ता है, लकड़े का भूसे से साफ़ किया जाता है इसको। अब इसको साफ़ करने के बाद, सूखने के बाद जब पानी मार देंगे तो एकदम ये क्लीन हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी सिर्फ आधा ही टेरेस किया गया था, तो इसका मैंने आपको बताया हूँ।